अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अदा। और मैं हूँ अदा फारूक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जिसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं ये: पानी 1 से 1.5 कप, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 1 खाने का चम्मच, सूजी 1.5 खाने का चम्मच, मैदा 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 कप, दूध 5 से 6 खाने के चम्मच, इलायची 2 से 3 अदद, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, बादाम पिस्ता गार्निशिंग के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम ये खुश्क दूध जो है ये डाल लेंगे। अब इसमें ये मक्खन डालेंगे और इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पाउडर के साथ। ये बटर रूम टेम्परेचर पे था, ठंडा नहीं था, इसलिए नरम ही होगा और आराम से मिक्स हो जाएगा। और साथ ही सूजी में हम 2 खाने के चम्मच पानी डाल के रख देंगे। जितनी देर में ये मिक्स होगा दूध और मक्खन, उतनी देर में वो भी सूजी भी सोख हो जाएगी पानी में। ये सूजी में पानी डाल दिया, अब इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे और ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो फिर इसको भी इस बैटर में शामिल कर देंगे। ये मक्खन दूध में बिल्कुल मिक्स हो गया है, जो इसमें थोड़ी सी थी ढेले बने हुए उनको उंगलियों की मदद से बिल्कुल मसल दिया है और ये बिल्कुल पाउडर की तरह होना चाहिए इस तरह से। अब इसमें हम ये मैदा डाल देंगे और ये बेकिंग पाउडर भी। 5 मिनट हो गए हैं इस सूजी को भिगो के रखा हुआ, ये भी फूल गई है, अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये जो 5 टेबल स्पून दूध है इसमें से 1/2 अभी डालूंगी मैं इसको, और फिर इसको हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। अब इसको मिक्स करना हल्के हाथों से, गूंदना नहीं है, बस उंगलियों से इसको मिक्स करना है और डो बना लेनी है। 4 टेबल स्पून दूध डला इसमें और इस तरह से फिर ये डो बन गई है इसकी। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर इसके बॉल्स बना। अब शीरा बनाने के लिए सबसे पहले ये 2 इलायची डालेंगे, साथ ही ये चीनी, और इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसको हल्की आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी अंदर पानी के डिसॉल्व हो जाए और वो पानी उबलना शुरू हो जाए। डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब इससे हम स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हम बाकी डो के भी बॉल्स बना लेंगे और साथ साथ ही इसको फ्राई भी करेंगे। लो फ्लेम पे ऑयल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए ऑयल का, नॉर्मल सा गर्म होगा तो उसमें हम ये डाल लेंगे। अब इस तरह से ये गुलाब जामुन को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। दोनों साइडों से साइड चेंज करते रहेंगे उसके, और दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। गुलाब जामुन हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं, अब इनको 5 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद इनको शीरे में डाल देंगे। शीरा भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, जितनी देर तक गुलाब जामुन ठंडे होंगे 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे, फिर गुलाब जामुन इसमें डाल के चूल्हा बंद कर देंगे और 1 घंटा इसको ढांप के रख देंगे। अब ये ठंडे हो गए हैं गुलाब जामुन, अब इसको हम शीरे में डाल देंगे। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढांप देंगे 1 घंटे के लिए, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब इसको हम 1 घंटे के बाद डिश आउट कर लेंगे, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद अब ये गुलाब जामुन हमारे हो गए हैं तैयार, अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इसको हमने चांदी के वर्क से और बादाम पिस्ते से गार्निश किया। जो चीज़ें हमने ली थी जिस क्वांटिटी से जो डो बनी थी उससे 12 गुलाब जामुन बने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को, सारे इंग्रीडियंट्स को डबल कर लेंगे तो 24 तक बन जाएंगे आपके गुलाब जामुन। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।